मैंने जितने भी मुश्किल वर्ड की अदायगी की है उनके बेसिकली आप देखने भी यहाँ पे वर्ड उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, उनकी एक्सप्लेनेशन में आपको पहले ही वर्ड बैंक में बता चुकी हूँ उनके क्या मीनिंग और क्या नहीं। बेसिकली इसमें यही बताया हुआ है कि एक मोल है वो अपनी लाइफ को किस तरह से गुजार रहा है और वो किस तरह से अपने घर की सफाई सुथराई का ख्याल रखता है और फिर सफाई के बाद वो किस तरह से अपने आप को भी साफ सुथरा रखता है। सनलाइट की बदौलत वो अपने आप को नीट एंड क्लीन रखता है, टेक सन बाथ एंड आफ्टर डैट वो इंजॉय करता है वेदर को, नेचर ब्यूटी को इंजॉय करता है लाइक अ शाउट। And the fourth paragraph, jumping with delight, he pursued his way across the meadow till he reached the novel अब पहले हम अपना पेज नंबर 10 की रीडिंग एक्सप्लेन कर चुके हैं, अब हम पेज नंबर 11 की तरफ मूव करेंगे। इसमें हाइटर एंड थाइटर थ्रू द मेडोज द मोल वॉक्ड अराउंड बसली अलोंग द हैस्ट फाइंडिंग द नोवेल अब पहले हम अपना पेज नंबर 10 की रीडिंग एक्सप्लेन कर चुके हैं, अब हम पेज नंबर 11 की तरफ मूव करेंगे। इसमें हाइटर एंड थाइटर थ्रू द मेडोज द मोल वॉक्ड अराउंड बसली अलोंग द हैस्ट फाइंडिंग और जिस भी स्टूडेंट को किसी भी चीज़ में कोई मसला आता है तो वो काइंडली मुझसे शेयर कर सकता है, डिस्कस कर सकता है और मुझसे पूछ सकता है कि इस चीज़ को किस तरह से करना है किस तरह से नहीं। और जितने भी ये वर्ड हाइलाइटेड हैं पूरी स्टोरी में उनको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और मैंने वर्ड बैंक पे उनकी विद मीनिंग आपको बता दी है। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो विदाउट एनी हेजिटेशन